स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बेसिक रोल आपके टेबल्स का होता है और टेबल्स के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को सॉर्ट आउट करके उसका आंसर निकाला जाता है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें 6 के टेबल पढ़ने के लिए नंबर दिया गया है। 6 के टेबल को हमने 4 तक रीड करना है। 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18 and 6 fours are 24। क्योंकि आगे नंबर है तो इसको हम पूरा एडजस्ट नहीं लिख सकते, इसलिए 2 आगे कैरी चला जाएगा। इसी तरह 6 fours are 24, 25 and 36। आपके पास 26 आंसर है। ठीक है, एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें हमारे पास 2 का टेबल है जिसको हमने रीड करना है। 2 के टेबल को 6 तक रीड करें। 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 and 1 carry, 2 threes are 6 and 7, 2 fours are 8, 2 threes are 6। एज इट इज नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट में हमारे पास थोड़ा सा चेंज है कि इधर हमें 2 नंबर से मल्टीप्लीकेशन करनी है। 2 टेबल्स पढ़ेंगे जबकि 0 का टेबल क्या है, 0 nines are 0, 0 fours are 0। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को खत्म करने के लिए क्रॉस लगता है क्योंकि हमने अब नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है, अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा, नेक्स्ट देन सॉल्व आउट होगा। 5 9 सा 45, 5 and 4 carry, 5 4 सा 20, 24। अभी कोई नंबर नहीं है इसलिए हम पूरी अमाउंट लिख देंगे। अब लास्ट में हमेशा जब हम 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसको ऐड करके उसको सम अप करते हैं। 0 एज इट इज आएगा, 0 ऐड नहीं होता तो 5 एज इट इज आएगा एंड देन 24। सो इट्स योर आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।